अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं पोटा कलेजी। तो मैंने यहाँ पे पोटा कलेजी एकदम अच्छे से साफ करके इसको आधा घंटा विनीगर के पानी में रखी थी। देखो कितनी साफ हो गई है। और ये कुछ मसाले निकाली हूँ, जिसमें ज़ीरा है, गरम मसाला है, हल्दी, मिर्ची, नमक, कस्तूरी मेथी और ये तेज़पत्ता। और मैं यहाँ पे दो बड़े कांदे काट के चॉप करके रखी हूँ। और यहाँ पर 10 रुपए का दही लाई हूँ, इसमें मैं टमाटर का यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच ऑयल ली हूँ, तो ऑयल गर्म हो रहा है मेरा। यहाँ पर मेरी दाल बन चुकी है और यहाँ पर ये चावल भी मेरे बन गए हैं। बस अभी ये सूखा पोटा कलेजी हमको बनाना है। तो अभी मैं इसके अंदर ज़ीरा और तेज़पत्ता डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे ज़ीरा और तेज़पत्ता डाल दिए, इसको अच्छा सा तेल में भून लूँगी। इसको कर दी फास्ट, मेरा ज़ीरा अच्छा कड़क जाएगा। तो फिर मैं इसमें जीरो चॉप करके कांदा वॉश करके चॉप करके रखी मैंने इसको। ये कांदे को मैं इसमें मिला लूँगी। अब कांदे को हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कांदा अच्छा नरम हो जाना चाहिए तेल के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कांदा मेरा अच्छे से लाल हो गया है। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाई। यहाँ पे मैंने कोथमीर काट ली हूँ और यहाँ पे मैंने ये पोटा है जो उसको पानी में से निकाल के छन्नी में रख दी हूँ। अभी मैं ये जो मसाले हैं ये सब मसाले इसमें डाल दूँगी। अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है। अब ये जितने भी मसाले हैं ये मसाले मैं सब डाल दूँगी। अभी इनको अच्छे से मैं भून लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने मसाले को अच्छे से भून ली हूँ। अभी मैं ये जो दही है ये भी डाल दूंगी इसमें। इसको भी मैं अच्छे से भून लूंगी। फिर ये जो कलेजी पोटा ये डाल दूंगी। हमको इसको सूखा बनाना है, इसमें पानी जितना हो सके उतना हमको कम यूज़ करना है। जैसे दाल चावल के साथ सूखा गोश्त जैसा खाते हैं उसी तरीके से हम ये कलेजी और पोटा भी बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मसाला मेरा अच्छे से भून गया है। अभी मैं ये कलेजी पोटा डालूँगी। थोड़ा कोथमीर डाल दूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने दही वगैरह सब मिला दी हूँ। अभी इसको हमको एकदम सिलो गैस पे पकने रखना है। इसको थोड़ा जोश आ जाएगा तो सिलो गैस पे कटोरी में पानी डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी थी वो दही का। अभी इसको हमको यही पानी में पकाना है क्योंकि अभी जैसा जैसा ये पकेगा तो दही भी अपना पानी छोड़ेगा। अभी गैस को हम कर देंगे सिलो और इस पर रख देंगे ढक्कन रखेंगे और ढक्कन पर डालेंगे हम पानी। जो इससे पानी पक के निकलेगा वही पानी में ये हमारा पक जाएगा आराम से। इसमें हमको अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको 10-15 मिनट के बाद देखेंगे। लो गाइस, मेरा 10 से 15 मिनट हो चुका है। मैं अभी इसको देखूंगी। इसमें देखो काफ़ी पानी छूट गया इसके अंदर। अभी हमको इसको पानी को थोड़ा सुखाना है, इसलिए मैं अभी ढक्कन नहीं ढकूँगी। इसमें इसको अच्छे से भून लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से भून गया ये। तो यहाँ पे मेरा पोटा कलेजी बनके तैयार है। इंशाल्लाह दस्तरखान के नीचे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरी रेसिपियाँ बनके तैयार है और दस्तरखान लग चुका है। ये हमारा दाल चावल रोटी और ये पोटा और सुक्का। तो अगर मेरा मिनी ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करो। दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।